यूपी का महासंग्राम जीतने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां की हुई हैं और पार्टी ने हर हालात से निपटने के लिए रणनीति तैयार की है। हर चरण के लिए अलग रणनीति तैयार की गई है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना कुछ इस तरह की है कि एक ही रणनीति के सहारे जीत की मंजिल तय नहीं की जा सकती है। अब चुनाव यूपी के पूर्वांचल में है, छठे और आखिरी सातवें चरण में बीजेपी के दमखम की परीक्षा है। पूर्वांचल में ही वाराणसी है जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ आखिरी दौर में मतदान है। इस दौर के लिए खुद पीएम मोदी ने वाराणसी में बड़े अभियान की तैयारी कर दी है। वो बनारस में ही डेरा डालने वाले हैं। दो दिनों के दौरे पर बनारस में प्रधानमंत्री पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 4 मार्च को बीएचयू एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वो शाम 7 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। रात को पीएम मोदी काशी में ही रुकेंगे। अगले दिन यानी 5 मार्च को वो दक्षिण बनारस में रैली करेंगे। पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी ने बनारस को ही चुना है, तो इसकी वजह ये है कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ ये पूर्वांचल का केंद्र माना जाता है। पूर्वांचल में विधानसभा की 170 सीटें आती हैं। यूपी में सत्ता के लिए इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन बहुत जरूरी है। जिस पार्टी का पूर्वांचल पर कब्जा हो जाता है वो सरकार बनाती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जिस अंदाज में वाराणसी को पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनाया है, उससे यहाँ की जनता बेहद खुश है। एक तरह से विरोधियों को पटखनी देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने होम ग्राउंड को चुना है। बीजेपी की इस तैयारी से विरोधी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वो इसकी काट निकालने के लिए मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं।